राजस्थान विधानसभा चुनावों का रण सजकर पूरी तरह से तैयार है। अलग अलग दलों की कोशिशें पूरे चरम पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अब दूसरी सूची आने से पहले अजमेर और कोटा की नस टटोलने के लिए कार्यकर्ताओं की पहुंच रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार, और दो दिन पूर्व ही जोधपुर और जाकर के अलग अलग क्षेत्रों का, मेवाड़ और वागड़ के अलग अलग क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें भाजपा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के लिए जो जगह डिसाइड की गई है उस होटल के इस रूम, इस पूरे मीटिंग हॉल से ये तस्वीरें हैं जहां पर मीटिंग रखी गई है और कार्यकर्ताओं को बाकायदा लिस्टेड किया गया है कौन कौन इसमें शामिल होगा, किन किन के साथ संवाद होगा। और खासतौर पर जेपी नड्डा, जिनके लिए कहा जाता है कि व्यक्तित्व उनका सरल है लेकिन असरदार, बेहद असरदार, क्योंकि बेहद असरदार होने की जरूरत इस समय है भी। उनकी अगवानी के समय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें जब उनकी अगवानी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की ओर से पुष्प वर्षा के साथ की गई, गुलाब के फूलों को पूरे रस्ते में उनके स्वागत के लिए हटा दिया गया। लेकिन अब भाजपा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के लिए कार्यक्रम थोड़ी देरी से चल रहा है, विलम्ब हल्का सा इसमें हुआ, और ये जाहिर सी बात है कि यहाँ विलम्ब होगा तो फिर जब अजमेर पहुंचेंगे तो उस कार्यक्रम में भी उतनी ही देर का विलंब होगा। लेकिन कुल मिलाकर के तसल्ली के साथ में, तस्दीक के साथ में यहां पर उन मुद्दों पर भी बात की जाएगी जो मुद्दे चुनौतियां हैं। मैं बार बार चुनौतियों का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि कोटा की एक भी विधानसभा सीट का अब तक उस सूची में जिक्र नहीं था। संभवतः पहले से ही रणनीति हो सकती है कि वहां पहुंचकर एक बार कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बातचीत वो करेंगे, आप जानेंगे, उन्हें कुछ निर्देश भी देंगे, कुछ उनकी सुनेंगे भी, और उसके बाद में एक सम्मिलित मेजॉरिटी के साथ में जो बातचीत होगी उस पर फिर मंथन होगा और जो नाम है, जो नामों का पैनल आया है, उन नामों पर फिर अंतिम मुहर लग जाएगी सीईसी की बैठक के बाद। लेकिन अब देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा इस हॉल में पहुँच गए हैं। ये जो हॉल बनाया गया है, भाजपा पदाधिकारी, ये वो भाजपा पदाधिकारी हैं जो कि आमंत्रित हैं, जिन्हें बुलाया गया है और बाकायदा उनके साथ में वन टू वन इंटरेक्शन करने वाले हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जोरदार स्वागत उनका किया जा रहा है, नारेबाजी के साथ में वो चिंतन में चल रहे, मनन लेकर चल रहे, चिंतन मनन इस समय की जरूरत भी। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी उनके साथ साथ प्रभारी अरुण सिंह भी आपको नजर आ रहे थे जब वो पहुंचे थे होटल, और अभी फिर से आपको तस्वीरों में वो नजर आएंगे क्योंकि जो मंच है इस संवाद के लिए जो मंच बनाया गया है वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर संवाद करेंगे। और ये देखिए सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, उन्होंने हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वीकार किया है। अब वो अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद में संभवतः मीडिया को वहाँ पर परमिशन नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक बैठकें होती हैं, ये पब्लिक बैठकें नहीं होती, इनमें पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी किया करती है। लेकिन स्ट्रैटेजिक बैठक में फिलहाल ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं जो पदाधिकारियों के साथ में बैठक और मंथन के साथ ये मेक श्योर किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, खासतौर पर जिस जिम्मेदारी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार राजस्थान में संभावनाओं को तलाशते हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। कुछ जगह ऐसी है जहां पर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा, कुछ जगह ऐसी जहां पर वोट बैंक कम होता गया। भंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, भंवर पहुंच गए हैं मंच पर जेपी नड्डा, और अब से कुछ ही देर के बाद में पदाधिकारियों के साथ इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा। पब्लिक डोमेन में नहीं होगा क्योंकि स्ट्रैटेजिक ये इंटरेक्शन होगा, लेकिन खासतौर पर उनका जो उत्साह है वो बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है, जब लोगों से बात करेंगे तो माइंड सेट है, भंवर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए फिलहाल पूरी तस्वीर आप ऑस्ट्रेलिया पर देख रहे हैं जहां दीप प्रज्वलन के साथ अपने दौरे के बाद कोटा में जो संवाद कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों नेताओं विधायकों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस वक्त यहां पर शुरू होते हुए नजर आ रहा है, और थोड़ी देर बाद जो इंटरेक्शन का दौर है वो यहाँ पर चलेगा, और जब संवाद एक बार विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा तो वहां से मीडिया को हटा दिया जाएगा। रणनीतिक सूची बैठक है, बीजेपी की दूसरी सूची आने वाली है, और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह के साथ कोटा पहुंचे हैं, तो कई मायनों में महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। और इसीलिए किस तरह की रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, किस तरह की योजना के साथ बीजेपी काम करने वाली है, किस तरह के मंत्र यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो दावेदारों को और साथ में जो यहाँ पे पदाधिकारी जो है उनको देने वाले हैं, इससे मीडिया को दूर रखने की बीजेपी की कवायद है। और इसीलिए ये जो संवाद कार्यक्रम है ये थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, और मैं आपको जैसे यहाँ पर बता दूं कि दो
चरण में पूरा ये कार्यक्रम चलने वाला है। पहले चरण में कोटा और बूंदी जिलों को मिला करके जो लोकसभा क्षेत्र बनता है और उसमें पड़ने वाले जो कोटा के 6 विधानसभा क्षेत्र और बूंदी के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी 9 विधानसभा क्षेत्र हो गए, उनसे जो करीब 125 पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटे हैं, विधायक जुटे हैं, उनके साथ यहाँ पर संवाद रहने वाला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। करीब करीब 1.5 से 2 घंटे ये संवाद चलेगा, इस तरह की सूचना है। और दूसरे चरण में जो पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें झालावाड़ और बारां जिले आते हैं, वहाँ से जो विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, पूर्व महापौर, मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, जिला संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष जुटे हैं, और साथ में झालावाड़ बारां से जो भी बीजेपी की टीम आई है, उनका यहाँ पे नेतृत्व सांसद दुष्यंत सिंह कर रहे हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो दूसरे दौर में जो झालावाड़ के कार्यकर्ता है और जो बारां के कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, उनके साथ ये बैठक होने वाली है। तो करीब करीब 3 से 4 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कोटा संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको होटल लोटस अनंता एलिस से दिखा रहे हैं, जो कि कोटा में डीसीएम रोड पर है। और यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि लंबी प्रतीक्षा के बाद कोटा दौरे का प्रोग्राम तय करके यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 से 4 बार उनका प्रोग्राम पहले भी बना, लेकिन किसी कारण से उनका आना नहीं हो पाया। तो बड़ा उत्साह आज उनके दौरे को लेकर के, उनके आने को लेकर के बीजेपी में है। और एक बार फिर से मैं आपको ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि बीजेपी की दूसरी सूची आने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोटा संभाग का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता इस इलाके से आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ये गृह अंचल है, और साथ में देश की लोकसभा के स्पीकर और कोटा के सांसद ओम बिरला भी इस इलाके से आते हैं। दोनों ही बड़े नेताओं की जो टीम है, इनके जो प्रमुख कार्यकर्ता और प्रमुख जो नेता है, वो लगातार इस दौरे को लेकर के सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन कोर टीम जो इस पूरी बैठक में एक तरह से चेयर करने वाली है जेपी नड्डा के साथ, उसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल है और प्रदेश भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल है। इसके अलावा कोटा संभाग और कोटा के जो संगठन प्रभारी है, वो भी लगातार 2-3 दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, इस बैठक की तैयारी कर रहे थे। और साथ में कोटा शहर भाजपा के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी, जो की मेजबान जिलाध्यक्ष है, पूरे कार्यक्रम के लगातार इस बैठक को लेकर के सक्रियता बनाए हुए हैं। तो बीजेपी की पहली सूची, जिसमें आरोपी के 17 विधानसभा सीटों से 1 भी प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित नहीं किया था, तो जाहिर तौर पर बीजेपी की दूसरी सूची में बहुत सी ऐसी सीटें होगी कोटा संभाग। बिल्कुल भंवर, आगे भी अपडेट आपसे इसी तरह से लेते रहेंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोटा दौरा और होटल लोटस अनंता एलीट पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अगवानी की, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी साथ रहे। थोड़ी देर में शुरू होगी कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बैठक। और इससे पहले जेपी नड्डा जब राजस्थान आए थे 2 दिन पहले, उस दौरान उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग की बैठक उन्होंने ली थी। अब कोटा और अजमेर के कार्यकर्ताओं से या कहें कि पदाधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। जीत का मंत्र उन्होंने एक लाइन में पूरे तरीके से साफ किया। जीत का मंत्र है कि आपको बूथ को जीतना होगा, अगर हमने बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। और संदेश क्या? संदेश ये कि नेता से पार्टी नहीं होती, पार्टी से नेता होते हैं। और इन दोनों ही संदेश का अपने आप में कार्यकर्ताओं के लिए महत्व होना चाहिए, ऐसी वो उम्मीद करते हैं। हालांकि टिकट बंटवारे के साथ जिस तरीके से बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद नजर आया, उसके बाद दूसरी लिस्ट क्या वाकई में उस अंतर्द्वंद को रोक पाएगी, थाम पाएगी, या उसमें बढ़ोतरी करती नजर आएगी। बहरहाल कोटा और बूंदी हाड़ोती के क्षेत्र, और हाड़ोती बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन इसी हाड़ोती से विरोध के स्वर भी बुलंद हुए। मसलन राजाखेड़ा से जिस तरीके से भवानी सिंह राजावत ने कहा कि अगर एक बार फिर से उनका टिकट काट दिया गया, अगर एक बार फिर से कल्पना देवी को टिकट दिया गया, तो वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं और किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। इस तरीके के स्वर अलग अलग सीटों पर मुमकिन है नजर आए, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के नेता हारे हैं। वहां क्या हारे हुए नेता एक बार फिर से मैदान में होंगे, क्योंकि उस दौरान 5 साल का वक्त होता है और कई नेता जो दावेदारी ठोक रहे होते हैं और जमीन पर काम कर रहे होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि 5 साल के बाद पार्टी उनको मेहनत का परिणाम देगी। लेकिन मेहनत का परिणाम क्या होगा और किस तरीके से उसको आंका जाए, इसका एक फॉर्मूला बीजेपी के अंदर है, वो सर्वे है। और अलग अलग चरण पर बीजेपी ने सर्वे करवाए, उन सर्वे के आधार पर ही
कहा जा रहा है कि टिकटों का वितरण किया जा रहा है और जो जिताऊ है उसको टिकट दिए जा रहे हैं। बहरहाल तस्वीरें आपको कोटा से दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा पहुंचे हैं, महिला मोर्चा ने उनकी अगवानी की है, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद हैं और आपको बीजेपी के कई चेहरे जिनको आपने विधानसभा में देखा है, जिनको आपने बीजेपी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल में देखा है, वो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का एक दौर में गढ़ रही है और उस गढ़ को वापस हासिल करने की तैयारी में एक बार फिर से बीजेपी, लेकिन उसके लिए वो दोनों मंत्र काम आएंगे। अगर उनमें से एक भी काम नहीं आया तो जीत में मुश्किल होगी। पहला मंत्र कि बूथ जीतना है और दूसरा कि नेता से पार्टी नहीं होती, पार्टी की वजह से नेता होते हैं।